नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। दक्षिणी चीन में भारी बारिश और बाढ़ से काफी तबाही हुई है। यहां मूसलाधार बारिश में कम 15 लोगों की जान चली गई। वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन में लगभग 1200 किलोमीटर दूर यूनान प्रांत में 3 लोगों के लापता होने की खबर है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक कई इलाकों में बाढ़ आ गई, भूस्खलन भी हुआ। चीन के पूर्वी तट के पास बसे फुजियान में एक फैक्ट्री बाढ़ के चलते ढह गई। यहां बचाव दल को 5 लोगों की लाश मिली। भूस्खलन की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने कहा कि गुआंगशी क्षेत्र के शिनचेंग में बाढ़ में 3 बच्चे बह गए, 2 की मौत हो गई और 1 बच्चे को बचाया गया। तूफान के चलते यूनान के क्यूबेई काउंटी में सड़कें और पुल बह गए, कम्युनिकेशन लाइनें टूट गईं, कई इलाकों में बिजली गुल है। क्यूबेई काउंटी चीन वियतनाम सीमा से लगभग 130 किलोमीटर उत्तर में है। तटीय शहर जियामेन में लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर बसे वुपिंग काउंटी में भी भारी बारिश हुई है। यहां सड़कें कीचड़ से भर गई हैं। यहां आए तूफान से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।